हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्त ओडिशा यूट्यूब चैनल। इंडियन नेवी तरफ चार्जमैन पोस्ट रो वैकेंसी बाहर था, तार एबे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सारी। पोस्ट को ऑनलाइन अप्लाई आपन केमिति करिवे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपन बतेबी। ता पूर्व जदि आपन ए चैनल नुवा अछंती, ए चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु और बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु नै। चलंतु इंडियन नेवी रो चार्जमैन पोस्ट को आपन केमिति अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड ये जो देखते ई निजुक्ति डॉट इन निजुक्ति ओडिशा रो ऑफिशियल वेबसाइट रही है। वीडियो डिस्क्रिप्शन या लिंक अच्छे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे अपना आस वेबसाइट पहुंच पारे। नचे आप गूगल सर्च करेंगे ई निजुक्ति डॉट इन, जो वेबसाइट आप प्रथम आसो से वेबसाइट क्लिक करके अपना पोस्ट में पहुंच पारे। ये आप शो कर नेवी चार्जमैन रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन आप शो कर नेवी चार्जमैन पोस्ट में अप्लाई करेंगे कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है, डिटेल्स आपने आप चेकआउट करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट है 15/5/2023 स्टार्ट है, लास्ट डेट रही 29/5/2023 जाए रही। एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, को पोस्ट पे के वैकेंसी आप रही, डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन दरकार ये पोस्ट अप्लाई करने, डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। क्वेश्चन पेपर आप कमी रोज सिलेबस आप कौन आसो ये आपको चेकआउट करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर रीड आउट करेंगे। जब आप ये पोस्ट को अप्लाई करेंगे एलिजिबल होते, अप्लाई लिंक आप शो करते आर आप क्लिक करेंगे। ये पेज आप ओपन हो इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन भल भाव पढ़ ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जमैन टू आर एप क्लिक करेंगे। क्लिक कला लॉगिन पेजटा आपड़ी ओपन हो, फास्ट आपको रजिस्ट्रेशन करू रजिस्ट्रेशन आपड़ी क्लिक करेंगे। क्लिक कला इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आसो, इंस्ट्रक्शन भल भाव पढ़ने तापर आप गो टू नेक्स्ट आपड़ी क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन जहाँ आप टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ने ये आप टिक करेंगे, अलडेगी पढ़ टिक करेंगे। तापर आप प्रोसीड उपर क्लिक करेंगे। प्रोसीडर पर क्लिक कला रजिस्ट्रेशन पेज आप ओपन हो, फास्ट आप पार्ट वन आप पर्सनल इनफर्मेशन आप भरवे। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर आप सब ब्लॉक लेटर आप सब लिखे, शुड बी सेम आज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन और क्लास 10 सर्टिफिकेट जहाँ आप ना रही ना आपड़ी एंटर करेंगे। जहाँ सर्टिफिकेट क्लास 10 सर्टिफिकेट जहाँ आप ना अच्छे ना आपड़ी कैपिटल लेटर आप एंटर करेंगे। मिस्टर ना मिस्ट्रेस कि मिस जहाँ अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे। फास्ट नेम जहाँ आप रही फास्ट नेम आप एंटर करेंगे। मिडिल नेम जब अच्छे मिडिल नेम तो ब्लांक छाड़े। लास्ट नेम आप एंटर करेंगे, सेमती आप फादर्स नेम आप एंटर करेंगे, मदर्स नेम आप एंटर करेंगे। जेंडर आप कौन रही है मेल ना फीमेल अच्छे जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही डेट डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। आप हिसाब से डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। एज आज 29/5/2023 29/5/2023 आप कितने वर्ष रही क्लिक हियर टू गेट एज आज 29/5/2023 आर पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला आपत वर्ष कम्प्लीट से आपड़ी आसी डिसिप्लिन आप कौ ग्रुप अप्लाई करेंगे। आप जो ग्रुप रही कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वेपन, जो ग्रुप आप सिलेक्ट करना चाहते से ही ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप आप कम जानते ए निजुक्ति डॉट इन साइट में आप ग्रुप आप मेंशन रही है, ये आप ग्रुप सब मेंशन रही है। आप ग्रुप आप देखिए आप ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। ये आप ग्रुप अच्छे इलेक्ट्रिकल ग्रुप अच्छी, वेपन ग्रुप अच्छी, इंजीनियरिंग ग्रुप रही है। ये अंडर आप जो जो इंजीनियरिंग ग्रुप आप रही से ही ग्रुप आप चूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ग्रुप रही, आप प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल ग्रुप रही है, अंडर जो जो पोस्ट रही है से पोस्ट अनुसार आप ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर सारापर आप ऑप्शन आप आसो डू यू पजेस द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप जो ग्रुप अप्लाई कर ग्रुप अंडर ट्रेड अच्छे ट्रेड में आपको कौन क्वालिफिकेशन आप अच्छी, बॉयलर मेकर, इंजिन फिटर, जीटी फिटर, आइस फिटर, पाइप फिटर, मेकानिस्ट, फाउंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन फिटर, मेसनरी कंट्रोल फिटर, जो फिटर आप अच्छी आप हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। आप ग्रुप सिलेक्ट कर सारे आप ट्रेड अच्छे ट्रेड आप शो करेंगे, से ट्रेड पर आप जो ट्रेड पे अप्लाई करेंगे से ट्रेड आप सिलेक्ट करेंगे। यू पजेस द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आप ट्रेड सिलेक्ट करेंगे से ट्रेड आप क्वालिफिकेशन आप अच्छी जहाँ आप द्वारा क्वालिफिकेशन रही है आप शो करेंगे। डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, आप डिग्री साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपंट तेल आपड़ी ये सब क्लिक करेंगे। डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजीनियरिंग करते आप ये सब क्लिक करेंगे। आपको कैसे क्वालिफिकेशन अच्छी जो ट्रेड आप सिलेक्ट करेंगे से ट्रेड क्वालिफिकेशन आप अच्छी आप ये सब क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द कैटेगरी यू बिलंग्स टू, आप कौ कैटेगरी बिलंग्स करते हैं एससी एसटी ओबीसी क्राइम लेयर, ओबीसी नॉन क्राइम लेयर, ईडब्ल्यूएस जनरल, जो कैटेगरी आप बिलंग्स करते कैटेगरी आप चूज करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी आप बिलंग्स करेंगे तेल आप ये सब क्लिक करेंगे, करूँ ना नो पर क्लिक करेंगे। हिंदू छाड़ला आज जो सब कम्युनिटी रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप हिंदू होते हैं आप नो पर क्लिक करेंगे। हिंदू होते हैं आप ये सब क्लिक करेंगे।
वेदर पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी पीडब्ल्यू 40% एबव आप यदि पीडब्ल्यू कैटेगरी होते हैं आप ये सब क्लिक करेंगे 40% एबव आप डिजेबिलिटी परसेंटेज अच्छी आप ये सब क्लिक करेंगे ये सब क्लिक कलापर आप क्लिक कलापर ये आप कैटेगरी आप आज कैट ए कैट बी कैट सी आप सिलेक्ट करेंगे जब आप पीडब्ल्यू कैटेगरी होते हैं आप नो आप क्लिक करेंगे आर ओन एक्सप्लेनेशन आप एक्सप्लेनेशन होते हैं ये सब क्लिक करेंगे नो आप क्लिक करेंगे डोमिस वेदर डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 जाए आप जम्मू काश्मीर डोमिसाइल थे आप ये नो आपारे आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ थ्री इयर कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं थ्री इयर कंटिन्यूस सर्विस करते सेंट्रल गवर्नमेंट थ्री इयर सर्विस करते आप ये सब क्लिक करेंगे नो पर आप क्लिक करेंगे डिफेन्स डिजेबल पर्सन आप ये सब क्लिक करेंगे नो पर आप क्लिक करेंगे मेरिटल स्टेटस आपको कौन रही मेरिटल स्टेटस आपको कौन अनमेरिड मेरिड जहाँ आपको अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे नेशनालिटी आप इंडिया सिलेक्ट रहा स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप स्टेट टू आप स्टेट डोमिसाइल आप ओडिशा आप सिलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे रिलीजन आप कौन रही हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जहाँ आपको अच्छे आप एंटर करेंगे आधार कार्ड नंबर आप एंटर करेंगे मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे से मोबाइल नंबर आउ थे आप वेरीफाय करेंगे वैलिड इमेल आईडी देते इमेल आईडी आउ थे आप रिएंटर करेंगे प्रेजेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस आप भरेंगे आठ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट भरेंगे सिटी आप कौन रही सिटी आप एंटर करेंगे पिनकोड जहाँ आप पिनकोड रही पिनकोड आप एंटर करेंगे स्टेट आप स्टेट ओडिशा आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे फोन नंबर यदि आप फोन नंबर देते ब्लैंक छाड़ पारे इफ परमानेंट एड्रेस सेम आज प्रेजेंट एड्रेस आप जो प्रेजेंट एड्रेस आप भरले परमानेंट एड्रेस सेम अच्छे ये बक्स आप टिक करेंगे दुटाक एड्रेस आप सेम हो अलग अलग अच्छे ये अनटिक करके परमानेंट एड्रेस आउ थे आप भरेंगे पासवर्ड क्रिएशन आप पासवर्ड आप चूज करेंगे अकाउंट को लॉगिन करेंगे पासवर्ड चूज करेंगे पासवर्ड आपको एट कैरेक्टर आपको दरकार पासवर्ड सब आपको अपर केस आपको दरकार अपर केस थ दरकार सब जगह आप कैपिटल लेटर आप पासवर्ड आप चूज करेंगे आप नंबर भी आपको थोड़ा दरकार जो पासवर्ड आप चूज कले से पासवर्ड आप एंटर करेंगे आउ थे आप एंटर करेंगे कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करेंगे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे सबमिट पर क्लिक कला दुटा ऑप्शन आप शो करेंगे एडिट ऑप्शन शो करेंगे आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू ऑप्शन आप शो करेंगे आप किसी एडिट करते हैं एडिट पर क्लिक करेंगे एडिट करेंगे जब आप सब ठीक ठाक करते कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आप जो मोबाइल नंबर आप एंटर करते हैं मोबाइल नंबर आप ओटीपी जी से ओटीपी टाक आप एंटर करेंगे आप वेरीफाई मोबाइल पर आप क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पर क्लिक कलापर आप शो करेंगे ओटीपी वेरीफाई आप क्लिक हेटू प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर पार्ट टू में आपको एजुकेशनल टेस्ट सेंटर डिटेल आप भरवाक पड़ो जहाँ जहाँ आप रजिस्ट्रेशन में भरते पार्ट वन भरते आप शो कर प्रिफरेन्स अफ एक्जामेशन सेंटर आप एक्जामेशन सेंटर आप तीन टाइम प्रिफरेन्स आप देते प्रिफरेन्स वन आप रही आप कोलकाता रही नियरेस्ट आप कोलकाता ओडिशा आप सेंटर नहीं कोलकाता आप देपारे सेंटर टू में आपर सेमती आप जहाँ नियरेस्ट रही नियरेस्ट आपारे प्रिफरेन्स थ्री आप नियरेस्ट आप सेंटर आप चूज करें डिटेल्स आप भरेंगे मैट्रिकुलेसन क्लास टेन्थ मैट्रिकुलेसन डिटेल्स आप भरेंगे सब्जेक्ट जहाँ आप टेन्थ जहाँ सब्जेक्ट था सब्जेक्ट सब आप एंटर करेंगे बोर्ड आप कौन था बोर्ड आप कौन था बीएससी ओडिशा कि आप आउ जहाँ था आप बोर्ड आप एंटर करेंगे सर्टिफिकेट नंबर टेन्थ सर्टिफिकेट नंबर आप एंटर करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आप कौन रही परसेंट रही ना सीजीपी रही है आप सिलेक्ट करेंगे जब आप परसेंट सिलेक्ट करते टोटल मार्क आप टोटल मार्क आप एंटर करेंगे आप मार्क सिक्योर कर मार्क आप एंटर करेंगे कते मार्क आप सिक्योर कर मार्क आप एंटर करेंगे परसेंटेज आप ऑटोमेटिक काउंट हो ईयर ऑफ पासिंग केवे आप पासआउट हेल्ले ईयर ऑफ पासिंग आप सिलेक्ट करेंगे जी आप सीजीपी अच्छी सीजीपी आप सीजीपी सिलेक्ट करेंगे डिग्री आप डिप्लोमा डिग्री आप क्वालिफिकेशन भरेंगे सब्जेक्ट आप कौन था आप ब्रांच नेम आप एंटर करेंगे जब आप डिग्री करते हैं साइंस आप लिखिदेवे नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी आप कौन रही बोर्ड आप कौन रही डिप्लोमा आप एसीटीईटी ओडिशा आप बोर्ड रही बोर्ड देते डिग्री आप जहाँ इनिट्यूट नेम रही यूनिवर्सिटी नेम आप एंटर करेंगे सर्टिफिकेट नंबर आप एंटर करेंगे टाइप्स अफ यूनिवर्सिटी आप कौन था परसेंट ना सीजीपी थी आप एंटर करेंगे जब आप सीजीपी अच्छी सीजीपी आप सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क आप टोटल सीजीपी आप टोटल सीजीपी पॉइंट आप एंटर करेंगे कैसे ऑप्टेन कर सीजीपी आप सीजीपी आप एंटर करेंगे आप ईयर ऑफ पासिंग केवे आप पासआउट हेले ईयर ऑफ पासिंग आप चूज करेंगे जब आप पासआउट हेले ईयर ऑफ पासिंग आप चूज करेंगे हायर एंड अदर क्वालिफिकेशन आप किसी अच्छी आप भरी पारे ना ब्लैंक छाड़ पारे सब कमांड पोस्टिंग आप पोस्ट ने कौट सब पोस्ट ने चॉइस फिलिंग आप करेंगे ये आप रही एक दुई तीन चार चार आप रही चार आप फास्ट प्रेफरेंस क्या देते हैं सब चार आप सिलेक्ट करेंगे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे
ତାପରେ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସାଇଜ୍ ରହିବା ଦରକାର 20 KB 50 KB, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସାଇଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସିଗ୍ନେଚର 10 KB 20 KB ଭିତରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ସାଇଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଜେପିଜି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ ରହିବା ଦରକାର। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ 100 KB 200 KB ଭିତରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଇଜ୍ ରହିବା ଦରକାର। PDF ଫର୍ମାଟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏଠି ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନଟ୍ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ 6 ମନ୍ଥ, 6 ମନ୍ଥର ପୁରୁଣା ହେଇନଥିବା ଦରକାର। ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର ସେମିତି ଆପଣ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ କରି ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ ଯାହା ଆପଣ ଅଛି ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆପଣ ଅଛି ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କ୍ୟାଟାଗୋରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଟାଗୋରି ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାଟାଗୋରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ 10 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସବୁ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ DOP ଏଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଏ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେଟା ଆପଣ ୟେସ୍ ନୋ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ଭଲ ଆସୁଛି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପଢ଼ିବା ପରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛନ୍ତି ଏଡିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭରିଛନ୍ତି ଆଇ ଆଗ୍ରେ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସୋ କରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଫି ପେ କରିବା ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ସୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ SBI ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ହେବା ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟାଗୋରି, ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ କରିବା ଆପଣ ସୋ କରିବ, ପେ ନାଁ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ SBI ଇପେ ଆପଣ ଏଠି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI, ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଭୀମ୍ UPI ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ପେ କରିବେ। ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ସୁଟ ରହୁଛି ସେ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପେ ନାଁ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପେ ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ହେବ, ପେମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ହେବ, ପେମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ପେମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏହି ତରଫରୁ ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।